लखीमपुर खीरी में सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की फिसली जुबान, बोले 2022 में करके मानेंगे समाजवादी पार्टी की विदाई, यूपी भाजपा ने कसा तंज। महाराजगंज दौरे में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले गरीबों का पैसा लूटकर घर भरा जाता था, अब सरकार हर गरीब का रख रही है ख्याल। पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे गरीब का पैसा हड़प जाते थे, और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। पीएम मोदी ने देवभूमि को दी बड़ी सौगात, हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास, विशाल जनसभा को भी किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि इतनी आत्मीयता से आपने उत्तराखंड की टोपी पहनाई, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अफवाह फैलाने की साजिश की जा रही है, कहा उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की, अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके, और मैं आप लोगों को आज यहां आकर के विश्वास देने के लिए आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 धाराएं हैं, एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर जल हर घर नल से जल का प्रयास है, पिछले 2 साल में देश में 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ी योजनाओं के आते ही पिछली सरकारों ने योजनाओं को सालों साल अटका कर रखा था। पीएम ने कहा उत्तराखंड की स्थापना को 20 साल पूरे हो चुके हैं, कहा पिछली सरकारों ने कहा चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो, कहा उन सरकारों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा, कहा मैं खुद उत्तराखंड के विकास के लिए काम करने के लिए जी जान से जुटा। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा विश्वास। हल्द्वानी शहर से गुजरा पीएम मोदी का काफिला, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए सड़क किनारे जमा हुए लोगों की भारी भीड़, पीएम ने भी स्वीकार किया सभी का अभिवादन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए एक शख्स बिहार से हल्द्वानी पहुंचा। बिहार से पहुंचे युवक का कहना है कि मोदी जी की हर रैली में पहुंचता है। उन्नाव में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा सपा और बसपा ने कभी जनता का विश्वास, उनका विकास नहीं किया। सपा और बसपा ने सिर्फ अपनी पार्टी का ही विकास किया है। शाह बोले भाजपा की सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। बोले अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर रहेगा। मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। रैली के दौरान शाह ने दिया नया नारा, कहा नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, ऐसा निजाम चाहिए या भाजपा वाला निजाम। मुरादाबाद में भाजपा की जनविश्वास रैली में विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरते हुए अमित शाह ने कहा कि ये बुआ बबुआ कांग्रेस तीनों मिल जाए तो भी भाजपा को नहीं हरा सकते। गृहमंत्री अमित शाह की रैली के बाद ट्रांसपोर्ट नगर, आईटीओ ऑफिस संभल और चंदोसी मार्ग पर लगा लंबा जाम। भाजपा की जनविश्वास रैली के चलते हाईवे हुआ ब्लॉक। गृहमंत्री अमित शाह की रैली के बाद ट्रांसपोर्ट नगर, आईटीओ ऑफिस संभल, चंदोसी पर लंबा जाम लगा। भाजपा की जनविश्वास रैली के चलते जाम में एम्बुलेंस फंस गई। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। झांसी के मऊरानीपुर में मंडलिया सम्मेलन में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के बयान पर काउंटर अटैक किया। सतीश मिश्रा ने कहा कि बहन मायावती जब निकलेंगे तब तूफान आएगा। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि मायावती 2 साल से क्वारंटीन है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले के साथ चुनाव आयोग के तय समय पर चुनाव कराने के फैसले का किया स्वागत। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज का विरोधियों पर करारा हमला। कांग्रेस के खूनी पंजे ने देश को किया बर्बाद। बोले सपा ने हिंदुओं पर चलवाई थी गोलियां। ओबीसी पर कटाक्ष करते हुए दिया विवादित बयान। कौशाम्बी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये चुनाव क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद या धर्मवाद का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बने। चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सभी दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निश्चित समय पर चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग ने बताया यूपी में 52.8 लाख नए मतदाताओं को किया गया शामिल। इनमें से 23,92,000 पुरुष और 28,86,000 महिला मतदाता, 18-19 आयु वर्ग के 19,89,000 वोटर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने लखनऊ में मतदाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मतदाता एक्सप्रेस यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में जाएगी और लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करेगी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। 1,305 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी किया लोकार्पण। रामगढ़ ताल के पास बनाया गया वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अब गोरखपुर में भी मिलेगा गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे टैबलेट। सीएम के हाथों टैबलेट पाकर सभी छात्र छात्राएं खुश नजर आए। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने राफ्टिंग बोट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोट पर बैठकर जायजा लिया। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर दंगों को लेकर निशाना साधा, कहा 2017 के पहले हर रोज होते थे दंगे, 2017 के बाद आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा।
सीएम योगी ने गोरखपुर को सौगात देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश सरकार की तारीफ में कहा, हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया, बिना भेदभाव के विकास किया। अमेठी में दलित किशोरी की पिटाई मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, जब प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट कर आंदोलन की चेतावनी दी तो ये सरकार जागी। कहा, प्रदेश के कई जिलों में दलितों के साथ हुआ अत्याचार, मामले को 15 दिन तक दबाने का लगाया आरोप। कहा, दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, प्रशासन को उम्र के बेरोजगार युवा 22 में देंगे जवाब। हर एक पुलिस वाले को फिर से संवेदनशील बनाना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती। बढ़ते कोरोना के बीच वर्चुअल रैलियां कराने की तैयारी में भाजपा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वर्चुअल रैलियां कराने की तैयारी। भाजपा ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन तेज। कांग्रेस ने इस बार भाजपा से पहले दावेदारों के आवेदन की स्क्रूटनी का शुरू किया है काम। दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं मंथन। 70 सीटों के लिए 500 से ज्यादा दावेदारों ने विधानसभा चुनाव के लिए ठोकी दावेदारी। मंगलौर दौरे पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने आरक्षित वर्ग सम्मेलन में की शिरकत। पीएम मोदी के हल्द्वानी दौरे को लेकर कहा, पीएम मोदी पहले भाजपा के भविष्य की चिंता करें। उन्होंने कहा कि जहां भी हैं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर कांग्रेस का खून है वो बीजेपी में रह ही नहीं सकता। उत्तराखंड कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का बयान। कहा, स्क्रीनिंग कमेटी सब नेताओं से मुलाकात कर रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। कहा, एक परिवार एक टिकट जैसा कोई नियम नहीं है। राहुल जी ने भी कहा है, जो जिताऊ और टिकाऊ हो उसे चुनाव लड़वाओ। जल्द ही घोषित किए जाएंगे उम्मीदवार। गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी में कर्नल कोठियाल ने किया जनसंपर्क। आपकी रैली में भारी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं काशीपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी जब दिन में मीटिंग करते हैं तो कोरोना नहीं आता, लेकिन रात को जरूर आता है। बोले, आगामी 15 जनवरी को संयुक्त मोर्चा की बैठक में निर्णय लेंगे कि 26 जनवरी को क्या करना है। देश में एक दिन में कोरोना के मामले 65% तक बढ़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले आए सामने। 7,486 कोरोना मरीज हुए ठीक। 268 कोरोना संक्रमितों की गई जान। December 2021 तक देश भर में 143,83,22,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 63,52,000 टीके भी लगाए गए। वहीं अब तक तकरीबन 67,63,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन 11,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 82,402। अब तक टोटल 3,48,22,000 लोग संक्रमित, इनमें से 4,80,860 लोगों की मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन देश के 22 राज्यों तक पहुंचा। दिल्ली में 263 और महाराष्ट्र में 252 मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 961 हुई। इटावा में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के चलते इटावा के अपर जिलाधिकारी ने 849 कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश भी जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग के आदेश के बाद जारी किए गए निर्देश। देश में COVID-19 की तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। स्वास्थ्य विभाग के साथ WHO भी गंभीर। शासन ने टीकाकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश। कोविड के खतरे को देखते हुए जनसभा स्थल पर सुरक्षा कड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया सैनिटाइजेशन। प्रदेश में ओमिक्रॉन के एंट्री के बाद बढ़ती जा रही है चौकसी। देहरादून में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ाई गई सख्ती। दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही मिलेगी एंट्री। उत्तराखंड में फिर पैर पसार रहा कोरोना। बुधवार को एक कोरोना मरीज की मौत। 38 नए केस मिले। नए साल के जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी।
मुंबई में एक दिन में मिले 2,510 नए कोरोना मरीज, धारावी में भी 17 नए लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। वहीं महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड 19 के 3,900 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 20 और मरीजों की मौत हुई। मुंबई में नए साल का जश्न रह सकता है फीका। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक रहेगी धारा 144 लागू। नए साल के जश्न पार्टियों पर रोक। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज। पिछले 7 दिनों में अमेरिका में तकरीबन 2,58,312 मामले रिपोर्ट किए गए। रोजाना औसतन 2,65,000 नए मामले आए सामने। WHO की चीफ साइंटिस्ट का दावा, ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके काफी कारगर, जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो फौरन लगवाएं वैक्सीन। डॉक्टर स्वामीनाथन ने टीकाकरण पर दिया जोर, साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर अभी जुटाए जा रहे हैं सबूत। लखनऊ में दरोगा राधेश्याम को एंटी करप्शन ने किया अरेस्ट। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिजनौर थाने में तैनात है आरोपी दरोगा राधेश्याम। रिटायर्ड सीओ से दरोगा 5,000 की मांग रहा था रिश्वत। कौशाम्बी में युवती की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या। कमरे के भीतर मिला खून से लथपथ शव, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शुरू की घटना की छानबीन। युवती का पड़ोस के युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अमरोहा में हो रही अवैध प्लॉटिंग का प्रशासन का चला हंटर। बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया की प्लॉटिंग पर चलाई जेसीबी। आधा दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं की प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। पुलिसकर्मी की पिटाई कर राइफल छीनकर फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने काशीपुर पुलिस के सहयोग से 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। राइफल भी बरामद कर ली गई। पकड़े गए आरोपी का दूसरा साथी अभी भी फरार। नए साल के जश्न को लेकर अल्मोड़ा पुलिस सख्त। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया 30 और 31 को जनपद में पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी और भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार 31 से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू होगा। रुद्रप्रयाग में 10 साल से अधर में लटका है शिक्षक भवन का कार्य। कड़ाके की ठंड में खुले में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। पुराने भवन के जर्जर होने से छात्रों को हो रही परेशानियां। ठेकेदार की लापरवाही से रायका चमकोट का ट्रीटमेंट का काम भी लटका। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। पुराने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा मतदाता जागरूकता के साथ साथ निर्वाचन के दौरान मीडिया की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर संघ वाराणसी ने ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 का किया विरोध। स्थानीय केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि नया टैरिफ आदेश 2.0 लागू होता है तो कई केबल टीवी ऑपरेटर उनके कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। केबल ऑपरेटर संघ वाराणसी ने पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी को पीएम मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ट्राई का नया टैरिफ आदेश 2.0 वापस लेने की गई मांग। कहा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि पर हमारा पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। कहा इस काले कानून को लागू होने से रोका जाएगा।